गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सभी के? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ना करना पड़े इसलिए मैंने लास्ट टाइम का NICL ओपरी का कंप्लीट एनालिसिस किया है सभी शिप्स का, ठीक है? तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन बच्चों का NICL एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। स्टार्ट करें उससे पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है। ओली बोर्ड का अभी करंटली 40% ऑफ का सेल चल रहा है। यूजिंग द कोड ध्रुव DHRUV आप अपने बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पे सीधा 40% ऑफ, सीधा 40% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में पिंड भी है। कोड क्या यूज करना है? DHRUV ध्रुव कोड आप इस्तेमाल करेंगे, सीधा 40% ऑफ है। मौका मत छोड़िएगा। ओली बोर्ड आप सभी को पता है कितनी शानदार टेस्ट सीरीज है और आगे आप लोगों की मेन्स आने वाले हैं। मेन्स का कंटेंट ओली बोर्ड का सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने शिफ्ट वन की बात कर लेते हैं। शिफ्ट वन सबसे इजी शिफ्ट थी एज एक्सपेक्टेड। रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश तीनों पे बात करें तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इजी थी। इंग्लिश जो सारी शिफ्ट्स की ही इजी थी। बच्चे बता रहे थे कि सर SBA क्लर्क प्री का जो लेवल होता है ना इंग्लिश का, उसके काफी कंपेरेटिव लेवल था और बच्चे खूब अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। और अगर आप पिछले साल के कट ऑफ देखो तो जो सेक्शनल कट ऑफ है इंग्लिश का 14 पॉइंट, ऑलमोस्ट 15 सेक्शन कट ऑफ गया था, जिससे आप हिसाब लगा सकते हो कितना इजी आया था। क्वांट सबसे ज्यादा लेंदी था, बट क्वांट्स भी फर्स्ट शिफ्ट वन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास नहीं था। एक केसलेट DI थी जो थोड़ी सी लेंदी थी, बाकी जो DIs थी वो हो सकती थी। अर्थमेटिक का काफी पोर्शन डुएबल भी था, तो बच्चों का जो अटेम्प्ट था 25+ वो अटेम्प्ट कर पा रहे थे। और लेवल जो बता रहे थे मोर और लेस उस टाइम का 2021 में, क्योंकि लास्ट पेपर हुआ था 2021 में, जो RRB PO प्री का लेवल था ना क्वांट्स का, उसके काफी सिमिलर सा लेवल बता रहे थे। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चंस थे, ऑर्डरिंग के 6 लोग थे, वेट के हिसाब से 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन का एक आदमी की जर्नी बता रखी थी। मान लेते हैं मुकेश के पहले इधर चला उधर चला, लेफ्ट राइट नॉर्मल वाले। फैमिली ट्री के आपके 6-7 लोग थे, उनका फैमिली ट्री बन रहा था। पजल जो मेन आपके लिए होता है वो मैं बता देता हूँ। पजल में आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट थी, 8 लोग थे, 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर, ठीक है जी। देन इसके अलावा आपके पैरेलल रो वगैरह था, 6 persons नॉर्थ 6 persons साउथ। देन आपकी फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट थी जिसमें 6 लोग थे, 6 फ्लोर्स थे और साथ में मूवीज का वेरिएबल था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग बता रहे थे। देन आपकी स्टैकिंग का सवाल था जिसमें 7 लोगों को वर्टिकली स्टैक करना था बॉक्स टैग में, कोई वेरिएबल नहीं, और ये भी बड़े आराम से बन रहा था। आपके 3 क्वेश्चन मिसलिनियस के थे, एक पेयरिंग का था, एक आपका वोवल कंसोनेंट का ऑपरेशन का था और एक मीनिंगफुल का आया था। तो बच्चे 25 से प्लस 30 के राउंड तक का अटेम्प्ट कर पा रहे थे, एक आध पजल शायद हो नहीं पा रहा था, बाकी ऑलमोस्ट पूरा पेपर निकाल पा रहे थे। तो ये शिफ्ट वन का था। शिफ्ट टू में अगर आपने मूव करी, शिफ्ट टू हल्की सी डिफिकल्ट हो गई शिफ्ट वन से, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बट हल्की सी डिफिकल्ट। इंग्लिश का पेपर अब भी सबसे डुएबल सेक्शन था, क्लर्क प्री लेवल ही बता रहे थे। क्वांट्स रीजनिंग दोनों के लिए अभी भी बच्चों का यही था मेंटेन के सर रफली RRB PO प्री लेवल पे है। रीजनिंग का थोड़ा सा डीप डाइविंग करें, फर्क कहां पर आया। इनइक्वालिटीज इस बार पूछा गया 3 क्वेश्चंस, ऑर्डरिंग का फिर से पूछा गया, बट ऑर्डरिंग में इस बार 6 लोग नहीं पूछे, इन्होंने 7 लोग पूछे हाइट के हिसाब से। देन इसके अलावा आपके फैमिली ट्री का भी आप देखो तो फैमिली ट्री पूछा गया था, बट फैमिली ट्री के आपके 7-8 क्वेश्चंस के अराउंड थे, सॉरी 7-8 persons के अराउंड थे। पजल में बात करें तो फ्लैट फ्लोर पूछी गई थी जिसमें 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, 8 persons का था, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम हो रही थी एक डेजिग्नेशन का सवाल इन्होंने पूछा था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, उसमें 7 लोग थे, 7 डेजिग्नेशन थे और साथ में वेरिएबल भी था। ये इस शिफ्ट का सबसे टाइम टेकिंग सेटअप था। देन इनके सर्कुलर फिर से पूछा गया था, 8 लोग थे, 4 in 4 outside वाला सेटअप था। एंड इसके अलावा वर्टिकल स्टैकिंग था, वर्टिकल स्टैकिंग इस बार 7 persons ना होके 8 persons थे, ये एक फर्क था। हाँ जी बस इतना ही कुछ मेरे को बताया था। और पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में यहाँ शिफ्ट टू में थोड़े से अटेम्प्ट गिरे बच्चों के, क्योंकि हल्का सा डिफिकल्ट आ गया था। फिर आते हैं अपने शिफ्ट नंबर 3 पे, और मेरे को 3 शिफ्ट तक का ही एनालिसिस मिल पाया। चौथे शिफ्ट का मैंने काफी सर्च किया, बच्चों से पूछा, एक तो पिछले साल नहीं था ना, पिछले से भी पिछले 2021 का था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर शिफ्ट नंबर 3 जो थी वो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट थी। यहाँ पर बच्चों का रवैया थोड़ा सा बदला,
और इंग्लिश अब भी सबसे ज्यादा डुएबल थी, वो एक क्लर्क प्री लेवल पे थी, बट जो रीजनिंग और क्वांट्स थी वो इन्होंने बोला कि सर ये RRBPO प्री लेवल नहीं है, ये IBPSPO प्री लेवल है। मतलब लेवल में सीधा सीधा डिफरेंस देखने को अपने को मिला। क्वांट्स बच्चों ने काफी कैलकुलेटिव बताई, DIS के जो क्वेश्चन पूछे गए वो लेंदी थे, अर्थमेटिक अपना टाइम टेकिंग था, केसलेट अगेन टाइम टेकिंग था, ज्यादा कैलकुलेटिव क्या डेटा दे रखा था। रीजनिंग की बात करें तो पजल में फर्क देखने को मिला, मंथ डेट पूछी गई थी, आई थिंक 5 months 2 date, 5 महीने थे 2 dates थे रफली, ऐसा कुछ सेटअप था। देन आपके 9 लोग थे जो लीनियर रो में बैठे, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेन लीनियर रो पूछा गया, सॉरी गाइस। इसके अलावा आपके देन मंथ वाला हो गया, हाँ डे बेस्ड पूछा गया, वीक बेस्ड वाला मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 7 days थे, और उसके साथ सिटी का वेरिएबल था, जहां तक मुझे याद आ रहा है सिटी या कलर में से किसी एक का वेरिएबल था, और ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था। और फाइनली सर्कुलर पजल था जिसमें 9 लोग थे, 9 persons थे, ऑल वर फेसिंग इनसाइड, ठीक है। और मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस थे, फैमिली ट्री वाला था, फैमिली ट्री वाला भी ठीक सवाल था। डायरेक्शन आपका आई थिंक पॉइंट्स वाला था, कि कुछ पॉइंट्स दे रखे थे उनसे कनेक्टिंग था। इनइक्वालिटी के 3, सिलोगिज्म के 3 सवाल थे, चाइनीज कोडिंग फिर से नहीं पूछी गई थी, फैमिली ट्री पूछा, ऑर्डरिंग पूछा, डायरेक्शन पूछा, तीनों शॉर्ट वाले आए थे, मिसलिनियस के 3 सवाल और आपके 4 puzzles, ये सेटअप था। और थोड़ा सा बच्चों को ये वाला जो शिफ्ट था मेनली क्वांट्स के कारण, नॉट ओनली रीजनिंग भी ऐसा था कि मतलब एक पजल छूट रही थी, क्योंकि एक पजल थोड़ी ज्यादा लेंगे और 20 मिनट्स में पूरा करना है। वैसे तो मेरा मानना है कि 21 से अब आपने 23 पे आ चुके हैं, तो बच्चों की जो प्रैक्टिस है और जो स्पीड है ना वो ग्रो हो चुकी है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो आज अगर वो 2021 वाला पेपर अभी बच्चे करेंगे तो मेरा मानना है कि कट ऑफ और ज्यादा ऊपर जाए, कि बच्चों की अब तैयारी का लेवल नेक्स्ट लेवल हो चुका है, स्पेशली प्री का, आप सब भी जानते हो इस बात को। बट उस टाइम के हिसाब से ये थोड़ा सा पीओ प्री लेवल के, RRBPO प्री नहीं, एक्चुअल IBPS पीओ प्री लेवल के पास में ज्यादा जा रहा था। पिछले साल की कट ऑफ, पिछली बार की कट ऑफ आप सभी को पता है 73 point something थी, और वैकेंसीज भी अपनी ज्यादा थी, 200 या 200+ वैकेंसीज थी आपकी, 240 के अराउंड थी शायद। इस बार की जो सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट की वैकेंसी 120, मतलब लगभग हाफ वैकेंसीज है अपने पास। आप मान के चलिए इसके कारण कट ऑफ ज्यादा रहेगा, कॉम्पिटिशन के कारण कट ऑफ ज्यादा रहेगा। ओवरऑल लेवल किस पे प्रिपेयर करें, तो लेवल यार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टू बी ऑन द सेफ साइड IBPS पीओ प्री के लिए करो, कारण मैं उसका बताता हूँ। NICL आपका सितंबर है, IBPS पीओ प्री भी आई थिंक सितंबर एंड में, ये मिड ईयर, हाँ एंड ऑफ सितंबर में ही आपका रखा गया। तो NICL की तैयारी के साथ साथ IBPS पीओ प्री की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, टू बी ऑन द सेफर साइड। बट ये कंप्लीट मेरा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, जहां पर तीनों शिफ्ट की मैंने बात की, चौथी शिफ्ट मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया। अब जाने से पहले सबसे फिर से रिमाइंडर है, ऑली बोर्ड पे 40% ऑफ का सेल चल रहा है, यूजिंग द कोड ध्रुव सीधा 40% आप अवेल कर रहे हो, तो किसका इंतजार कर रहे हो यार। कमेंट सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके अभी अपना परचेस करें। राधे राधे।